हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आप देख रहे हैं टेक्निकल फन ग्रुप। आप सभी का हमारे चैनल पे बेहद स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टोरी आईसी गादे संकलन के बुक का, जिसका नाम है गौरी, जो कि लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा। तो इस वीडियो को मैंने पहले भी बनाया था, बट वो क्वालिटी बहुत खराब था और काफी लोगों का उस पर बैड कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने उसको डिलीट मार के एक नए वीडियो को अच्छी तरीके से बनाने की कोशिश की है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाले ऐसे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और आप ऐसे सारे वीडियोस को सबसे पहले देख पाए और अपने कम वक्त को टाइम सेव करते हुए अपने पूरे चैप्टर्स के समझ पाए और उनके क्वेश्चन आंसर को इजिली एग्जाम में लिख पाए। और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना कोई समय गवाते हुए। चैप्टर टू, गौरी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखी गई है। इसको हम पूरे डिटेल में सारांश के रूप में पढ़ेंगे। बाबू राधा कृष्ण अपनी बेटी गौरी के विवाह के संदर्भ में कहीं बाहर गए थे। जब वह वापस आते हैं तब उनसे पत्नी कुंती चाय पीने को आग्रह करती है। इस दौरान गौरी अपराधिनी की तरह माता पिता की दृष्टि से बची हुई चाय बना रही है। वह यह सोचती है कि यदि उसका जन्म न हुआ होता तो उसके पिता को स्थान स्थान पर वर की तलाश में घूमना न पड़ता। वह अपने माता पिता से यह कहना चाहती है कि चाहे उसके साथ उसकी शादी कर दी जाए अथवा शादी न भी करे, तब भी वह सुखी है। इन सभी लाइनों का ये मतलब है कि गौरी के माता पिता उसके लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढना चाहते हैं, जो कि वो नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो गौरी को लगता है कि वो अपने माता पिता पर बोझ बन चुकी है। वह यही सोच रही थी कि मेरे विवाह हेतु मेरे माता पिता को कितना कष्ट उठाना पड़ता है। इस प्रकार आत्मग्लानि और क्षोभ से उसका रोम रोम व्यथित हो उठा। राधा कृष्ण जी गौरी का विवाह योग्य वर के साथ करना चाहते थे, परंतु उसके पास उतनी संपत्ति नहीं थी। गौरी 19 साल की हो गई थी, माता पिता की अकेली संतान थी। गौरी का स्वभाव निर्भीक और दृढ़ निश्चयी था। वह हजार बार यह निश्चय कर चुकी थी कि अपने माता पिता से यह कह दूंगी कि विवाह मेरे लिए आवश्यक नहीं है, पर वह लज्जा से कभी कुछ कह न सकी। राधा कृष्ण जी चाय पी रहे थे, तभी कुंती उनसे यह प्रश्न पूछना चाहती है कि वह जहाँ गए थे वहाँ बात बनी या नहीं। उनसे डरते डरते यह प्रश्न पूछा, जिनके जवाब में राधा कृष्ण जी ने यह कहते हुए कहा कि लड़का नहीं आदमी है वो, मेरी बेटी के साथ एक चपरासी दिखेगा। और कहते हैं कि लड़के के दो बच्चे हैं, उसकी उम्र 35 से 36 साल की है। वह अपने बच्चों के लिए एक ध्याय चाहते हैं। वो साफ साफ कहते हैं कि मैं बच्चों के लिए ही दूसरा विवाह कर रहा हूँ। कुंती के यह कहने पर कि दूसरे विवाह के लिए सभी बच्चों का ही बहाना बनाते हैं, इस कथन में जवाब ने राधा कृष्ण जी ने कहते हुए कहा कि उनका हृदय तो दर्पण की तरह साफ है। खादी कुर्ता, गांधी टोपी, फटी चप्पल देखकर यही लगता है कि वे नेता बनने के लिए योग्य हैं, किसी का दूल्हा नहीं। कांग्रेस के दफ्तर में 30 रुपए की तनख्वाह पर काम करते हैं, 3 बार जेल जा चुके हैं। आदमी तो बुरे नहीं, लेकिन गौरी के पति बनने के लायक भी नहीं है। फिर भी मैंने उन्हें इतवार को बुलवाया है, जिससे तुम लोग भी उन्हें देख सको। गौरी ने दरवाजे की आड़ में यह सब बातें सुन ली और उसके हृदय में उसके प्रति श्रद्धा के भाव जागृत हो उठे। अगले इतवार के दिन सीताराम जी अपने दोनों बच्चों के साथ देखने आने वाले थे। इस बात को बाहर वालों से गुप्त रखा गया, भीतर आंगन में ही उनके बैठने का प्रबंध किया गया था। निर्धारित समय पर सीताराम जी अपने दोनों बच्चों के साथ आए। बच्चे भी वहीं खादी के कुर्ते और हाफ पैंट पहने थे। दोनों ही बड़े प्रसन्न और हसमुख थे। आते ही वे घर में खेलने लगे। उन्हें देख कुंती को यह घर नंदन कानन सा जान पड़ा। वह बच्चों के खेल में इतनी तन्मय हो गई कि उन्हें याद ही नहीं रहा सीताराम जी से उन्हें बात भी करनी है। तभी छोटा बच्चा पिता के पास जाकर यह प्रश्न पूछता है कि देखने माँ को देखने के लिए लाए हो तो बताओ माँ कहाँ है। इसी दौरान बिल्ली के पीछे दौड़ते हुए बच्चे घर में अंदर पहुंच गए। छोटे बच्चे ने गौरी का आंचल खींचते हुए पूछ लिया कि क्या तुम हमारी माँ हो। गौरी ने कहा हाँ। कुछ क्षण बाद कुंती ने यह देखा कि बच्चे के साथ खुश हैं।
माता पिता के बुलाने पर गौरी सीताराम जी से मिलने आई। बच्चे गौरी को माँ समझकर उसके पिता की बहुत सी शिकायतें करते रहे। जाते समय सीताराम जी ने राधा कृष्ण जी से कहा देखकर कहा कि मुझे पत्नी की उतनी जरूरत नहीं जितने मेरे बच्चों के मेरे बच्चों को माँ की जरूरत है, जो मेरे जेल जाने पर इनकी देखभाल कर सके। सीताराम जी के जाने के बाद राधा कृष्ण जी ने सोचा कि मेरी लड़की उसके साथ, मतलब उनके बच्चों की ध्याय बनेगी। कुंती ने सोचा कि उन दोनों बच्चों का पालन करके कोई भी अपना जीवन सार्थक बना सकता है। गौरी ने भी यह सोचा कि किसी विलासी युवक की पत्नी बनने से अच्छा तो यह है कि इन दोनों बच्चों की माँ बन जाऊं। सीताराम जी को पक्का विश्वास था कि विवाह यही होगा। काफी प्रतीक्षा करने के बाद सीताराम जी को किसी किस्म का आश्वासन नहीं मिला तो उन्होंने राधा कृष्ण जी को पत्र लिखा, जिसके जवाब में उन्हें जन्मपत्री मंगाई गई। अंत में राधा कृष्ण जी ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि जन्मपत्री नहीं मिल रही है। वहीं दूसरी ओर राधा कृष्ण जी ने गौरी के लिए एक दूसरा वर खोज लिया था, जो नायब तहसीलदार था। देखने में तनिक भी सुंदर नहीं था, फिर भी आगमी आषाढ़ में विवाह होना सुनिश्चित हुआ था। कुंती और राधा कृष्ण जी दोनों ही बहुत खुश थे। दूसरी ओर गौरी के हृदय में बच्चों का भोला भाला चेहरा और सीताराम जी की प्रतिमा उभर आती। वह यह सोचती थी कि सीताराम जी बीए कर पास करके नायब तहसीलदार या मतलब बन सकते थे। उन्होंने देशभक्ति का मार्ग चुना। जहां नायब तहसीलदार अंग्रेजों की गुलामी करने वाला है, यह वह सब सोचकर गौरी की चिंता विवाह की तिथि के नजदीक आने के साथ साथ बढ़ती जाती थी। विवाह की तय की गई तारीख से 15 दिन पहले ही नायब तहसीलदार के पिता का देहांत हो जाता है, जिसके कारण विवाह साल भर के लिए टल जाता है और गौरी की चिंता दूर हो जाती है। इसी बीच स्वतंत्रता के आंदोलन की लहर बड़ी तेजी से फैलती है। लोग गिरफ्तार होने लगते हैं और उन्हें सजा भी मिलती है। यह सब देखकर गौरी के लिए बच्चों की चिंता बढ़ती रहती। इसी दौरान एक दिन गौरी ने अखबार में पढ़ा कि सीताराम जी की गिरफ्तारी हो गई है और उन्हें साल भर की सजा मिल गई है। गौरी कुछ समय तक विचार करती है रही, फिर अपनी माँ से कानपुर जाने की बात करती है। थोड़ी सी बहस के बाद कुंती गौरी का विरोध ना कर सकी। अंत में गौरी उसी शाम एक नौकर के साथ कानपुर चली गई। अब 1 साल बाद जब सीताराम जी घर के लिए चलते हैं, यह सोचते हैं कि कहारिन ने मेरे बच्चों को किस प्रकार संभाला होगा, रखा होगा। रास्ते में उन्होंने बच्चों के लिए गरम गरम जलेबियां खरीदी और घर में यह सोचते हुए घुसते हैं कि क्या हालत होगी मेरे बच्चों की। लेकिन आंगन में वह गौरी को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और गौरी ने भी उनकी पद धूलि माथे से लगाई। इसी प्रकार कहानी का अंत होता है। तो दोस्तों, ये खत्म होता है हमारा चैप्टर 2 गौरी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखा हुआ बहुत ही अच्छा स्टोरी है। तो अगर आपको इन चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स चाहिए तो अभी हमें कमेंट करें, यस वी नीड क्वेश्चन एंड आंसर। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप सबसे पहले देख पाए। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मिलते हैं एक अगले वीडियो में।